हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऐसे स्टॉक की बात करने लग रहे हैं जिसका 12 महीने का जो CAGR है वो 245% का है। और ये देखिए, ये जो स्टॉक था ये मार्च 2021 में केवल 2.90 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, और फिर दिसंबर 2021 में ये 5.90 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, और फिर उसके एक साल बाद दिसंबर 2023 में ये 8.85 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था, और फिर जून 2024 में इसने 17.82 रुपये को भी टच किया है। तो एक लगातार एक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के इसने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप इसमें भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बाय करके चलेंगे तो आप ये जो स्टॉक है इसमें ट्रैप हो जाएंगे। इसको कब बाय करना चाहिए हम आपको वो वीडियो के एंड में बताएंगे। और ये जो स्टॉक है इसमें जो FII है और जो DII है उनकी भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनी हुई है। तो ये जो कंपनी है ये भारत में सबसे बड़ी जो निजी उत्पादन कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी है, और इसका भारत के महाराष्ट्र के अमरावती और नासिक में दो पावर प्लांट भी है। इनकी जो कैपेसिटी है 1315 मेगावाट और 2700 मेगावाट की है। तो ये जो कंपनी है इसका जो अमरावती पावर प्लांट है उसका MSEDCL कंपनी के साथ एक पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट भी है जो कि 25 सालों के लिए है। यानी कि ये 25 सालों तक ये MSEDCL कंपनी को बिजली की सप्लाई करेगी, और अभी 9 साल इसको हो चुके हैं। ये जो एग्रीमेंट है ये आगे रिन्यू हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये जो कंपनी है ये बिजली बनाने वाली कंपनी है। तो ये था इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 8,716 करोड़ की है। इसका जो बॉन्ड वीक हाई है वो 21.10 रुपये है, और जो लो है वो 4.30 रुपये है। इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है 0.82% की है, और इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 88.6% की जो होल्डिंग है वो प्लेज भी है। क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं उनको अपनी कंपनी को आगे चलाने के लिए बहुत सा कर्जा भी लेना पड़ता है, जिसके कारण उनको अपनी जो होल्डिंग है वो प्लेज भी रखनी पड़ती है। लेकिन इसकी एक काफ़ी अच्छी होल्डिंग प्रमोटर ने प्लेज की हुई है, और इसमें जो वॉल्यूम रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। आप आसानी से इसको कभी भी खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। और ये देखिए, इसके पिछले 3 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 29.2% के हिसाब से बड़ी है, और पिछले 1 ईयर के जो रिटर्न है वो 245% के हैं। और इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है 985 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी अच्छा कैश फ्लो भी है कंपनी को चलाने के लिए। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 45.50 रुपये है, और जो लो है वो केवल 0.93 पैसे है। और ये देखिए, इसकी जो सेल्स है वो लगातार होने लग रही है। जहाँ दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 806 करोड़ थी, मार्च 2024 के क्वार्टर में बढ़ के 914 करोड़ हो गई है। इसकी जो अदर इनकम है वो भी लगातार होती रहती है, 89 करोड़, 88 करोड़, 82 करोड़। ये मार्च 2024 के क्वार्टर में 10,717 करोड़ है। ये वो अदर इनकम होती है जो कि कंपनी की जो फिक्स एसेट होती है, जब कंपनी उसको बेच देती है तो उसको अदर इनकम में काउंट किया जाता है। और ये जो फिक्स एसेट होती है जिसको कंपनी ने बेचा है ये इसके बिजनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ये देखिए लगातार नेगेटिव ही रहा है। यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट केवल पॉजिटिव है क्योंकि इसने अपनी जो क्योंकि इसकी जो अदर इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो नेगेटिव ही रहती है। ये देखिए, इसका जो CWIP है यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसमें 67 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। जैसे ये बन के तैयार हो जाएंगे तो इसकी जो सेल्स है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और इसके ऊपर जो कर्जा है अभी वो ये देखिए 3,562 करोड़ का है। तो इस कंपनी ने लगातार अपने ऊपर लिए गए कर्जे को कम किया है, और इसकी जो टोटल एसेट है वो ये देखिए 9,566 करोड़ की है। और इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है काफ़ी लंबे समय से 44.6% की बनी हुई है, और जो FII की होल्डिंग है तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इसमें लगातार बढ़ाया है, 0.76%, 2.4%, अभी 3.69% की है। और जो DII है उनकी जो होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें बनी हुई है, 6.57% की बनी हुई है। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में उनकी जो संख्या है वो 20,63,337 है। तो देखिए, अभी जो ये स्टॉक है ये 16 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन अभी जो ये स्टॉक है अभी डाउन ट्रेंड में चला हुआ है,
और ये जो कंपनी है इसने लगातार अपने ऊपर लिए गए कर्जे को कम किया है। तो ये कैसा स्टॉक है, अगर आप इसको 5 रुपये से 8 रुपये के बीच में बाई करेंगे तो ये इस स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। और फिर जैसे जैसे डिप में जाता जाए आप इस स्टॉक में अपनी बाइंग को इसमें बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।